तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भैया, आज मैं बनाऊंगी MS धोनी का एवल आर्ट, आप देख सकते हो। तो चलो देखते हैं कैसे हो पता है। तो देख सकते हो मैं आउटलाइन बना लिया है, तो चलो इसको शेडिंग करते हैं, देखते हैं कैसे हो पाता है। तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स एंजॉय द वीडियो। तो गाइस, आपको सबसे पहला क्या करना है कि आपका गूगल से, फेसबुक से या इंस्टाग्राम से एक अच्छा सा पिक चूज़ करना है। पिक जैसे भी हो, आपको आउटलाइन अच्छे से दिखना चाहिए। ऐसा बड़ा एक पिक चूज़ करके उसको आउटलाइन बना लेना है। तो आप अगर देखना चाहते हो कि यह वाला आउटलाइन मैंने कैसे बनाया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जितना बड़ा माप के आप बनाना चाहते हो फोन में, आपको पिक को इतना बड़ा कर लेना है। तो उसके बाद आप सेटिंग कर सकते हो, आप जितना बड़ा माप लेंगे तो इस फोन में उतना बड़ा करना। अगर आपको और भी ज़्यादा बड़ा करना है तो आप टूल बना के कर सकते हो। टूल बना के करने से आपको सेटिंग्स इक्वली होगा। तो ये वाला आर्ट में मैं एक बार से नहीं, बार बार सेटिंग किया है, आप देख सकते हो। पहले बहुत ही हल्के से किया सेटिंग्स, और फिर उसके बाद दूसरे लेयर उससे ज़्यादा डार्क, तीसरे लेयर उससे भी ज़्यादा डार्क किया है। तो ऐसे करने से आपको जो आर्ट है वो ख़राब नहीं होता। एक बार से बहुत ही डीप दे देने से क्या होता है कि आपका वो जो लाइट एरिया है वो भी ब्लैक हो सकती है। तो आप ऐसे ही करना, पहले से लाइट, फिर धीरे धीरे करके डार्क डालते जाना। इस वीडियो में ऐसा ही किया हूँ, आप अगर ठीक से देखते हो तो पता चल जाएगा कि मैं कैसे। और ये जो गार्ड देख रही हो फिर हेलमेट का, वो भी कैसे करना है कि गोल देखने के लिए एक साइड ब्लैक करना है और दूसरे साइड को छोड़ देना है, और फिर आउटलाइन को डार्क करना है। तो व्यूअर, जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें मैं अप्सरा का और आउटलाइन का पेंसिल का इस्तेमाल किया है। तो आप कोई भी पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग को जो आर्ट कर रही हो उसका सेटिंग्स अच्छे से करना चाहिए। जो आप सेटिंग के लिए कोई भी आर्ट टूल इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि एयरबर्ड्स और भी बहुत सारे टूल आते हैं, आप ऑनलाइन में देख सकते हो, वरना कोई लोकल शॉप से भी खरीद सकते हो। और अगर आप सेटिंग्स टूल के बारे में जानना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं उस बारे में एक वीडियो बना दूंगी। जैसे कि आप देख रहे हो, हेलमेट का बनाने के लिए मैं 6B पेंसिल का इस्तेमाल किया है, अप्सरा का। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पेंसिल को किससे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देख सकते हो जो फ्लैग का कलर मैंने बनाया वो एक ही पेन से बनाया। तो थोड़ा डार्क के लिए मैंने आउटलाइन का पेंसिल का इस्तेमाल किया। तो आउटलाइन कैसे काम करता है उसके बारे में एक वीडियो बनाया था, तो आप देख सकते हो अगर चाहिए तो। तो उस वीडियो में मैं बताया था कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है उस पेंसिल को। मैं चाहता था तो वीडियो के और भी ज़्यादा फास्ट कर सकते थे, लेकिन इससे भी ज़्यादा फास्ट किया तो आपको वीडियो को देखने के लिए अच्छा नहीं लगेगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो आप अगर इससे भी ज़्यादा फास्ट करना चाहते हैं तो YouTube से जो फास्ट वाला ऑप्शन है उससे फास्ट करके देख सकते हो। और ये आर्ट को मुझे बनाने के लिए 2 दिन लगा। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना। सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आपको धीरे धीरे सेटिंग करते जाना है,
कितना भी डिफिकल्ट आर्ट क्यों ना हो, आप अगर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करते जाएंगे तो आपका कितना भी मुश्किल से मुश्किल आर्ट ठीक हो जाएगा। तो देख सकते हो जो लोगो है, सो वो मैंने कैसे किया, देख सकते हो जो बीत तो है उसका मेन थिंग है एक साइड को ज़्यादा रखना और एक साइड को छोटा रखना। ऐसे क्या होता है कि उस साइड है वो माप आता चलता है। तो इस हेयर में देख सकते हो मैं 8B पेंसिल का इस्तेमाल किया था पहले, सिर्फ एक पेंसिल से मैंने ऐसे सेटिंग किया। तो देख सकते हो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, पेंसिल कोई भी हो सकती है और आर्ट कितना भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आपका अगर स्किल अच्छा है और आपका और आपके अंदर बनाने के चाहत हो तो आप कितना भी मुश्किल आर्ट को कर सकते हो और ये वाला आर्ट आप भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको समाधान देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। तो देख सकते हो जो ये वाला शेडिंग कर रहा हूँ इस पर भी मैं 2B 4B और 8B का इस्तेमाल कर सक किया है। आप अगर स्लो करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको आर्ट को देख के सिर्फ उसी तरह का शेडिंग करना है। तो देखिए जो मेरा आर्ट आ गया कुछ इस तरह लग रही है, और मैं चाहता था तो और भी ज़्यादा डार्क कर सकते तो वो वाला आर्ट अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा ही किया मैंने। तो देखिए आई होप कि आप सबके मेरे वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना इसी तरह वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।